आप किसको जिताना चाहेंगे? हम मोदी को मिल रहे थे, जो गहलोत सरकार दे रहे थे वो नहीं मिल रही यार। क्यों? गाँव रुपया तो नहीं मिला। क्यों? गरीबा के लिए तो बनाया जाए। बनावा तो नहीं। क्यों? सबने दे रहे बताया गहलोत सरकार। मन तो कौन दिए? और फोन? फोन ही कौन दियो? फोन भी कौन मिला? तो थे अब की बात सरकार चुनाव बढ़ा थे तो कुंडा जिता कुंडा वोट देगा भाई देवान मर भाई आओ बिन पूछ लीजो है बिन पूछ लीजो थानी दे दिया हमें तो। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है फिलहाल? मैडम अगर देखा जाए तो गहलोत सरकार वापस आने की पूरी संभावना लग रही है इस बार। किस कारण से गहलोत सरकार वापस आने की कह रही है? क्योंकि गहलोत एक्चुअल में कांग्रेस में से ज्यादा पार्टी से ज्यादा गहलोत की छवि साफ है और गहलोत की राजस्थान में पकड़ अच्छी है और गहलोत एक मजे हुए राजनीतिक है। लेकिन गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई है जो सामाजिक कल्याण की उसको देखते हुए गरीबों में और गहलोत सरकार के प्रति सॉफ्ट रवैया है जनता का। राजस्थान भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, जिस तरफ महाराज भिस्मंदर रहेंगे हम खुलकर उनके साथ रहेंगे, जाट हैं, सीधी सी बात है। ये बात तो कांग्रेस को चाहते हैं, बीजेपी को कतई नहीं चाहते। आर्मी 4 साल ही कर दी उसने। क्यों 4 साल की आर्मी कर दी? क्या है आर्मी में? CISF SSC GD इसका क्या काम है? कुछ काम नहीं है। हाँ कांग्रेस की है या केंद्र में भी कांग्रेस आनी चाहिए। सरकार गहलोत की जी आनी चाहिए। बीजेपी केवल झूठ को पलंदा है, झूठ नहीं बोलता है, जो भी कुछ गया ऊपर से झूठ बोलते हैं। गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है, रिपीट होनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाता रहा और भी जगह कई जगह हो रहे हैं, यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान थोड़ा ही मीडिया करता है तो जांच चल रही है, उसको सजा मिलेगी। नमस्कार मैम, देखो राजस्थान में गहलोत सरकार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए जगह, क्योंकि एक तो हम आर्मी तैयारी करते 4 साल से, 4 साल की भर्ती कर दी, कुछ फायदा मिला नहीं हमें। गहलोत सरकार ने किसानों का ऋण अच्छा माफ कर दिया, उसमें हमें कम से कम खेती तो कर सकते हैं। अब बीजेपी सरकार में कुछ ना पूरी तो आर्मी की सीते सी कर दी, 4 साल उसमें बिगड़ गए, हमारे पढ़ाई पूरी बिगड़ गई उसके चक्कर में, अब सीते सी हो रहे हमारे अग्निवीर की तैयारी करते। अब क्या करेंगे जाके जाके भी क्या करेंगे मैम? अब 4 साल के लिए वहाँ पर हम भी इतना कोई नहीं करता मैम, हमें भी घर चलाना है पीछे, हमें भी जितना हमारा खर्चा हुआ उतना खर्चा हुआ नहीं मिलेगा जाने के बाद। तो देखो हमारी तरफ से तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्योंकि गहलोत की सरकार आएगी तो अगले साल भर्ती आएगी अच्छे से। मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग कर रहा हूँ, अब जयपुर में खड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो जैसे अपन देखते हैं पहले तो 50-50 का मामला लग रहा था, लेकिन अभी जैसे बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है नए नए नेताओं की, पुराने नेताओं की घर वापसी हो रही है, जैसे देवी सिंह जी भाटी ने ज्वाइन किया उसके बाद में रविंद्र सिंह जी, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा मैडम। जो जोधपुर की साइड में अपन देखते हैं विधानसभा क्षेत्र वगैरह वहाँ पर मतलब बहुत युवाओं में जोश है उनके प्रति, और उनके प्रति मतलब जो उन्होंने काम किए हैं उनके प्रति लोग समर्पित हैं, राष्ट्रवाद चरम पर है, तो बीजेपी बनने की संभावना है। काल से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी, जिसने अशोक गहलोत ने जितनी भी योजना निकाली, जैसे चिरंजीवी योजना हो, दुर्घटना की योजना हो, अन्नपूर्णा की योजना, इसके वजह से मेरे ख्याल से राजस्थान में अशोक गहलोत आएगा। सरकार बीजेपी की आएगी, क्यों आएगी? आएगी, यूपी में देखिए विकास कैसा हो रहा, पूरा भ्रष्टाचार लुट गया, योगी आदित्यनाथ की तर्ज पे यहाँ पे बिल्कुल होगा। सरकार 100% आएगी बीजेपी की यहाँ राजस्थान में, बहुत सुविधाएं योगी की, देखो हर एक प्रदेश में योगी की मांग हो रही है, उसी तरह बीजेपी की सरकार यहाँ आएगी। हमें पेपर लीक बड़ा पूरा 12 बजे पेपर लीक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि जो गहलोत सरकार पेपर करवाने में असमर्थ है, फेल हो चुकी है पूर्णतः सरकार, तो इसके लिए मुद्दा ये बड़ा पेपर का मुद्दा बड़ा तगड़ा मुद्दा है। नहीं लेयर तो RLP की हो सकती है, RLP की सबसे, ना बीजेपी ना कांग्रेस, RLP आ जाए तो ठीक है, और RLP नहीं आती है तो नहीं आती है तो कांग्रेस बढ़िया है, भाजपा से कांग्रेस। तो फिर आपने वसुंधरा के लिए क्यों कहा? नहीं बोल रहे कि अशोक गहलोत के राज में पेपर लीक हुए, वसुंधरा राज में क्यों नहीं हुए बताओ? क्यों नहीं हुए? नहीं थे क्या? सभी पेपर लीक हुए थे, एक भी ऐसा नहीं है उठा के देख नहीं हुआ था। अब एक तो साचौर वाला RS का, साचौर के 100 बंदे लगे उसको लेके पूंछ बांध के पीछे पड़ गए कि अशोक गहलोत डोटा सर। कभी ED आती है, कभी ED मारो, TD आई थी 2019 में, उस टाइम भाजपा कहाँ थी? उस टाइम कुछ नहीं बोला था सरकार।
योजना में लगा के उतने घर योजना बनाया था टीआरपी बढ़ाते ही हमारी टीआरपी यही बढ़ाएंगे। सरकार में भी बनी कौन सा बना राजस्थान में टीआरपी बनाई टीआरपी बढ़ाते ही लोग। देखो मैं क्या बोलूं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, घटा टेक हूँ, मजदूर इंसान हूँ। कांग्रेस वोट दीजिए वोट कोई भी ले ले, मगर जो भी सोचे नीचे की मजदूर इंसान के बारे में सोचे, कोई भी सरकार हो, सोचे मजदूर के बारे में, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, हमारी कोई खानदानी कोई कांग्रेस मतलब कोई वो नहीं है पार्टी, हमें इससे मतलब ही नहीं है क्या मोदी है क्या है। गरीब के बारे में सोचो, जो गरीब बन सके। अब जो मैडम है कैमरा मेरे सामने लेके खड़ी है, भाईजान कैमरा मेरे सामने लेके खड़े हैं, ठीक है, और हम सुई ऐसे खींचते हैं 12 घंटे से, क्या मैडम 14 घंटे सुई खींचते हैं दर्दोजी का काम करने वाले। भाई काम तो सबका, ये बीजेपी का अच्छा भी है, कांग्रेस कांग्रेस के भी अच्छा है, सबका अच्छा वोट है, लेकिन देखो हमारे ये कांग्रेस का कांग्रेस को देंगे, ठीक है। पदड़ा तो बीजेपी का ही भारी लग रहा है, क्यों देख लो अब क्यों, तो मैं क्या जानू इसमें तो जी, मतलब कारण होगा कि बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है, क्यों आएंगी जबकि गहलोत सरकार इतनी अच्छी योजनाएं दे रहे हैं। योजना दे रही है गहलोत सरकार, वो तो पता है सबको, अभी भी दे रही है, चुनाव से पहले भी दे रही है, आगे भी देगी अगर आई तो। उन्होंने वो अपनी सुविधाएं दी है, बाकी बीजेपी है इस बार। तो क्या कारण है बीजेपी आएंगी जबकि लोगों का कहना है जिस बार गहलोत सरकार ने मोबाइल फ्री दे दिए। बीजेपी का रुतबा है, रुतबे से क्या एक सरकारें बनती है, मतलब रुतबा तो पिछली बार नहीं था क्या, जब वो एक साल इससे पहले जब राजस्थान गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की, तब क्या बीजेपी का रुतबा नहीं था। हाँ रुतबा बीजेपी का ही चल रहा है, रुतबा तो सरकार कांग्रेस की भी रुतबा बीजेपी का ही चल रहा है, अभी बीजेपी आएगी इस बार भी। क्या सौगात मिलेगी, क्या घोषणाएं मिलेगी महिलाओं को? घोषणाएं तो होती है ना एकदम चुनावों के टाइम ही होती है, बाकी उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलता। कोई सी भी सरकार आए ना महिलाओं के लिए कुछ करेगी ना इस देश के लिए कुछ करेगी। बढ़ तो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना कैलिबर महिलाओं के अंदर है, कितना स्ट्रांग वो अपने आप को बना सकती है। राजस्थान में क्या कंडीशन है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जैसा कि रैप में नंबर 1 आ रहा है अभी। कुछ सेफ नहीं है। तो लगता है किस बार कौन आएगा? मोदी जी का पक्ष जीतेगा। क्यों? हाँ क्यों, वो अच्छा है। क्या अच्छा है उनमें? उनमें ये अच्छा है कि वो पिछड़े हुए वर्ग की सहायता करता है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। अच्छा, क्या लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी हर साल चेंज होती है, हर 5 साल में चेंज होती रहती है, बीजेपी 5 साल में, बीजेपी कांग्रेस 5 साल साइड जाओगे तो बीजेपी की साइड जाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार कौन है आपका? हमारा क्या नाम से वो है, अरे वो बालचंद ठाकरा, बालचंद ठाकरा बांदीपुई, बांदीपुई। तो आपको सिलेंडर मिल रहा है घर में? सिलेंडर मिल रहा है 500 रुपये वाला, 500 वाला। अच्छा, बीजेपी तो नहीं देगी 500 में? नहीं देगी तो नहीं सही हो, तो कोई जरूरी थोड़ी है। तो क्या लगता है आपको किसको देंगे? हम तो कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को? क्यों? क्योंकि हमेशा से कांग्रेस का ही देखा है, मैं तो पूरी फैमिली में क्रेजी कांग्रेस का है, तो उनका ही है। मतलब फैमिली के हिसाब से चलेंगे आप? हाँ बिल्कुल। ओके ओके, फूल में देवांगा और कोड देवांगा मोदी को। मोदी क्यों देगा? क्यों देंगे, हमारे काम करते हैं। क्या काम करे मोदी ने? कुछ सब कुछ किया, हमको कोई नहीं, राशन नहीं मिलता, नहीं हमारे पास राशन कार्ड ही नहीं है हमारे पास। महिलाओं को फोन दिए? नहीं दिया हमको कुछ भी नहीं, तो इसलिए पैसे जमा करा लिए, पैसे कुछ नहीं दिए हमको। तो फोन नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो जिताएंगे आप लोग, किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? कारण बस देना है, पिछली बार भी बीजेपी को दिया था। किसकी सरकार बनेगी इस बार? भैया मन ना पा, तो आप किसको वोट दोगे? हम तो बीजेपी को दोगे। बीजेपी को क्यों दोगे? देंगे। बीजेपी के लिए तो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो तो भड़काती है। लगाने वाले को लगा दो, क्या हो रहा है? चुनाव आने वाले कुछ नहीं लगता। किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे, किसको वोट देंगे?
बीजेपी को जिताएंगे अब की बार। क्यों? बस अब की बार बीजेपी क्यों? बीजेपी आनी चाहिए, नई सरकार आ रही है। किसको जिताएंगे आप? किसको जिताएंगे? बीजेपी को। नजर आ रही है इस बार? इस बार कांग्रेस की। कारण? कारण सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। क्या काम बढ़िया हो रहे हैं? रोड से लेकर हर चीज का। क्या हालात नजर आ रहे हैं इस बार राजस्थान में? चुनावी बिगुल बज गया। इस बार राजस्थान में थर्ड फ्रंट से ज्यादा उम्मीद है लोगों को, और लंबे समय से आजादी के बाद अपन कांग्रेस बीजेपी को देखते आ रहे हैं, तो थर्ड फ्रंट से इस बार और थर्ड फ्रंट की ताकत भी हमें राजस्थान। किसके लिए बोलना चाहेंगे आप? मैं आरएलपी के लिए बोलना चाहूँगा कि लगातार महिला अपराध और राजस्थान में बढ़ते क्राइम पे उन्होंने आवाज उठाई है, तो हम थर्ड फ्रंट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे युवाओं की। क्यों मोदी को? क्यों मारो फैन है? मैं मोदी। मोदी? मोदी के आप फैन हो? छोड़ा नहीं, छोड़ा हूँ। सीधी बात है। क्या हाल चाल? हाल चाल एकदम बढ़िया। और राजस्थान में क्या बाड़ो जब चुनाव में? राजस्थान के मायने तो कांग्रेस ही आली। काले पे? क्यों काले पे? सत्ता संभालो और काले पे। तो काय अच्छा काम करवाया कांग्रेस ने? कांग्रेस की लहर आ गई। कांग्रेस ने इतना बढ़िया काम करवा दिया, बीजेपी ने तो देश को डुबो दिया, सारे देश को बेच दिया, रेल सेल सबको बेच दिया, बैंकों को बेच दिया, जो कर्जा माफ करके उद्योगपतियों का, गरीबों को और गरीब कर दिया। क्या किया है बीजेपी ने? कुछ नहीं किया है। वो जनता को चूतिया बना रही है और जनता चूतिया बन रही है, समझ गए? तो इस बार वापस से ये रिवाज तोड़ना है एक बार कांग्रेस बीजेपी के रिवाज को तोड़ना नहीं, है नहीं नहीं रिवाज अब की बार मैं तो कहता हूँ कांग्रेस 100% आएगी राजस्थान में। कोड़ा का जो थे? मैं जोधपुर जिले का हूँ। जोधपुर का जो तो कुंडा जिता रहा जो? मैं अशोक जी ने हूँ वोट। अशोक गहलोत जी ने? क्यों काम करवाया? काम घने करे मार दो। अशोक जी बहुत काम करे, कुछ काम पीछे छोड़े ही नहीं है कराने के लिए। मैं जोधपुर से हूँ। अशोक जी ने इतना काम कराया, पीछे आने वाली सरकार को काम ही कुछ नहीं कराना। और अशोक जी आएगा चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। बिल्कुल। और चिरंजीवी देखो आप, हर गरीब आदमी के लिए इतनी योजना लाया अशोक जी के, पूछो मत आप किया। हर आदमी चाहता है अशोक गहलोत वापस सीएम बने और सब योजना लागू रहे। अशोक जी छोड़ना चाहते है, सीट नहीं छोड़ती है। छोड़ना चाहते है अशोक जी, पर सीट नहीं छोड़ती है। बीजेपी वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत ही सीट नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी वाले तो आरोप कहीं, बीजेपी तो ईडी लगा रहे हैं पीछे। वो देखे हम हार रहे हैं, वैसे भी अब ईडी को प्रयोग में ले रहे हैं। बोलो क्या हम तो हार रहे हैं, क्या क्या करे क्या? वो ईडी को भेज रहे हैं कि खुशी कर इसका दिमाग डाइवर्ट करे इधर उधर। ईडी क्या जिता रही बीजेपी को? वो ईडी पार्टी बना रही है कांग्रेस के सामने, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते है, इसलिए वो ईडी को भेज के मतलब दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्रियों ने घोटाले किए, बहुत मंत्रियों पे आरोप भी लगे हैं। नहीं सब झूठे आरोप है, कोई घोटाला नहीं किया है, सब झूठे है। साहब जीतेंगे, गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, चिरंजीवी योजना भी है और 10 लाख रुपए का बीमा भी है और दवाई भी फ्री है, सारी चीजें बढ़िया, बहुत अच्छा काम करा, कोई काम ही नहीं छोड़ा गहलोत साहब ने। बहुत सब बहुत बढ़िया हो जा रही है। किसके राज में खड़े हो? ऐसा है गहलोत साहब के राज में ठेला लग रहे हैं हमारे यहाँ, नहीं तो बीजेपी होती तो ठेला ही नहीं लगते हमारे यहाँ। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कौन आएगा इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? क्या कारण है कांग्रेस को आप लोग जिताएंगे? जनता प्यार दे रही है कांग्रेस को, क्यों? कांग्रेस सही काम करती है इसलिए। क्या काम किए हैं? अच्छे बढ़िया बढ़िया, सब सब सारे बढ़िया करेगा। आई बात चुनाव वाला से कहा लाग रही, कौन आओगी? कमल का फूल आओ लो। क्यों अच्छे चाहे कमल का फूल आओ लो? तो गहलोत जी तो तने और तने फोन दिया थे मानो को कौन दिया? कान कौन दिया? हाँ कौन दिया? तो थे अप्लाई कौन करा होगा? भाई की अप्लाई करा फोन आको पैसा आना को बड़ा छे और गरीब रोड पारे छे। तो ये और राशन पानी भी तो मिल रहे थे? लागड़ी जाने दे सके गरीब आने दे सके। अशोक गहलोत जी मैं भी अपन कमारी आ रही छू, काय करो छू? दे बंगला में झाड़ू पोछा बर्तन। ठीक। मैं एक लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, पिछले 5 साल से अटका रहे। गहलोत सरकार ने अभी फ्री लैपटॉप की घोषणा करी है? नहीं हमें कोई फ्री लैपटॉप नहीं मिला है। वो चुनाव जो जाएंगे तो फ्री लैपटॉप देंगे? नहीं नहीं खाली चुनाव के और अपने वोटिंग के लिए ये घोषणा करते हैं, बाकी देते कुछ नहीं है। हाँ सारी घोषणा गलत है पूरी, बिल्कुल भी आज तक कभी कुछ नहीं दिया। हर साल जब वोट आते हैं तब गहलोत सरकार घोषणा करती है, देती कुछ नहीं है। देखो केंद्र में तो बीजेपी की बनेगी सरकार, राजस्थान में ऐसा है
कि देखो ढोंगियों को जो देना है वो ढोंगियों को देंगे वोट, जो सत्यवादी है वो सत्य को ही वोट देंगे, बीजेपी को देंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। क्यों मैडम इतना सारा काम किया है? क्या काम किया है? क्यों में तो गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार ने, गहलोत सरकार ने क्या किया? फ्री राशन दिया, मोबाइल बांटे, क्या मिला इससे? औरतें बिगड़ी रही है हमारी, रील बना रही बैठे बैठे सारा दिन, काम धंधा तो कुछ करती नहीं है, और फ्री राशन देते उनको बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ आएगी बीजेपी, बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री। तो साधुओं का एक तरह से राजनीति में आना कहाँ तक सही है? स्पष्ट भाषा में कहते हैं ना, इसलिए वो जो भी कहते हैं स्पष्ट भाषा में कहते हैं। साधुओं का राजनीति में आना कहाँ तक सही है? साधु जो है वो राजनीति के लिए बोला जाता है? राजनीति में नहीं आए वो जन सेवा में आ रहे हैं, जन सेवा में आ रहे हैं, राजनीति में नहीं आ रहे वो जन सेवा में आ रहे हैं, जो भी साधु है जन सेवा में आ रहे हैं। किसको जिताएंगे भैया? कांग्रेस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ही विकास भी किया अभी इस टाइम पे। जीता होगा हाथ ने? हाथ ने क्यों? मोबाइल नहीं होता ना, कोड़े दिया मैंने तो ते वोट दे रहा तो जान मैंने दुआ हो तो मत सबने दे दे दियो वोट तो ते तो हाथ ने देगा तो हाथ थान मोबाइल दियो सबने दियो से बूढ़ी औरत ने थान कौन मिलियो राशन मान राशन तो दिया ही कम से कम एक साल होगी 15-16 साल होगी आई भी कौन दे भाई उस दिन भी आया जब मैं किया था माना तो बोले हाँ आपका चल्लू करा ला आपका चल्लू ला काय ना तो फिर से वोट कह दे रहे तो आपने सरकार तो हाथ की चाहे वही बांट रही से राशन सबने तो अब जो माँ का अंडर ले चा बान दे चा हमेशा जाने दे वाला ना बस इसलिए देगा थे हाँ। तो काम पसंद कौन आया मतलब था राशन कौन मिलियो मोबाइल कौन मिलियो न मिले तो कहीं भूखा तो रे वहाँ कौन है बाजार में गणो ही लार तो खानो ही पड़े पेट तो बनो ही पड़े मान सही बात है ना भाई बिल्कुल है भूखा तो रे बात सरिया वो राशन आलो कुछ रे न दे जद भी कुछ रे न खावा जद भी कुछ रे वहाँ वर्कर के हिसाब से जो कैंडिडेट खड़ा होगा ले पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पार्टी पॉलिटिक्स लेकिन ये वर्कर क्या ये की वो कोई भी आओ चाहे वो प्रताप जी कहलाओ तो कोई हार्ड वर्कर भी तो नहीं है इस एरिया के अंदर कोई नहीं है मैन तो वर्कर मतलब प्रताप जी है मैन मतलब प्रताप जी के अच्छा आप पर्सनली प्रताप जी को देंगे आपको पार्टी का सपोर्ट नहीं है प्रताप सिंह खाचरियावास का बस बस यार बस ये बात है पार्टी से कोई मतलब नहीं है चाहे बीजेपी प्रताप सिंह खाते हार्ड वर्कर है हार्ड वर्कर है इसलिए मतलब और गरीबों का देखो एक बात है ठीक है उसके मान लो कोई ऐसा काम है कि मान लो जो उसके दायरे से बाहर है वो तो एक नहीं हो पाया अदरवाइज तो सारे काम जो है उसके क्षेत्र के अंदर जो है और गरीब जरा सा भी कह दो भाई साहब ये यहाँ ये समस्या हो गई आया मैं भी कौन है मैं बात कर रहे थे।